इधर कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा कैथल रोड स्थित एक गोदाम में कृषि विभाग और पुलिस ने सुबह एक गोदाम पर छापा मारकर यूरिया के लगभग 300 बैग बरामद किए हैं। आपको बताएं कि कृषि विभाग के एसडीओ मनीष वत्स ने बताया कि किसान यूनियन ने शिकायत की थी कि महावीर ट्रेडिंग के मालिक ने कैथल रोड स्थित एक गोदाम में यूरिया के बैग अवैध रूप से छुपा रखे हैं और यहां पुलिस की सहायता से गोदाम पर छापा मारा और यहां पर लगभग 300 बैग यूरिया के मिले हैं। इस बीच उन्होंने बताया कि हमने मालिक से इस बारे में पूछताछ की और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। अगर महावीर ट्रेडिंग ने यूरिया के बैग कालाबाजारी की नियत से रखे हैं तो इस फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कल अपने पेवा में एक फर्म के पास 3200 के लगभग बैग आए थे। जी जी, तो किसानों की शिकायत थी कि उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। हालांकि हमारा स्टाफ भी उस मौके पर मौजूद था। रात को इन्होंने एक गोडाउन की शिकायत मिली थी कि भाई अवैध स्टॉकिंग हो रही है और यहाँ से लिफ्ट हो रहा है। उस बेस पर आज कार्रवाई करने के लिए हम आए हुए हैं। इसमें ये देखेंगे कि भाई ये जो भी फर्म है, जिसका भी गोडाउन है, ये लाइसेंस में ऐड है या नहीं है। अगर नहीं है तो इलीगल स्टॉकिंग के विरुद्ध उसके विरुद्ध कार्रवाई की। डीएपी की काफ़ी कालाबाजारी हुई और शॉर्टेज थी और अब यूरिया में भी वही हालात देखने को मिल रहे थे और काफी शिकायतें पेहवा एरिया से किसान यूनियन को मिल रही थी कि आम किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा और जिनको दिया जा रहा है साथ में टैगिंग करके अन्य दवाइयां जोड़ करके दिया जा रहा है। तो उसका संज्ञान लेते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कल आंकड़ा लिया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि 3300 बैग के आसपास पेहवा में एक फर्म के पास आए थे, महावीर ट्रेडिंग के पास, जिनके पास श्री राम के नाम से जाना जाता है। जब उनसे डिपार्टमेंट को साथ ले जाके डिटेल मांगी गई तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी डीएपी सॉरी यूरिया नहीं है। तो जब अपने स्तर पर हम लोगों ने जांच की तो रात को 9:30 बजे यहां से यूरिया की लोडिंग करवाई जा रही थी, जो अवैध ही हो सकती है, बाकी डिपार्टमेंटल की कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई है। तो उसको पकड़ा है, पुलिस मौके पर मौजूद है, विभागीय अधिकारी हैं। अब वो देखेंगे कि ये अवैध है या इसका कोई कागज, वो जो कागज पत्र है वो यहाँ पे उनको दिखा पाते हैं।